हमारे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सभी अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक क्रीम का रिव्यू लेकर आई हूँ, जो कि है पॉन्स का एज मिरिकल रिंकल कैरेक्टर क्रीम का रिव्यू। साथ ही मैं बताने वाली कौन कौन से स्किन टाइप के लिए सही रहेगी और पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड भी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें एंड वीडियो लास्ट में अगर देखने के बाद आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बाजू में बेल आइकन होती है जो घंटी, उसे ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि मेरी फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, एक आउटर बॉक्स है, एक कार्डबोर्ड का, इसमें सारे डिटेल्स आपको प्रोवाइड होती हैं। ये बॉक्स के फ्रंट में ही मेंशन है ये पॉन्स का एज मिरिकल रिंकल करेक्टर डे क्रीम है, जिसमें यूज़ किया गया है SPF 18 PA++ के साथ ये क्रीम आती है। क्रीम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको रेटिनॉल का यूज़ किया गया है, जो आपके रिंकल्स को कम करेगी, साथ ही आपके आने वाले रिंकल्स को ये स्लो डाउन करता है, मतलब होने नहीं देता है। और इसमें यूवी प्रोटेक्शन है, जो आपके फेस को धूप से प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल है। फ्रेंड्स, क्रीम की क्वांटिटी 10 ग्राम की है फ्रेंड्स, और कोई भी क्वेरीज के लिए यहाँ एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है। हम इसकी इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें ढेर सारे भड़बड़ के केमिकल का यूज़ किया गया है, लेकिन यह 100% पैराबेन फ्री प्रोडक्ट है गाइस, इसमें पैराबेन कहीं पे मेंशन नहीं है। प्राइस की बात करें तो 125 रुपीज़ थी, बट ये अभी आपको 99 रुपीज़ में मिलती है। अंदर से इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की होती है गाइस, आप देख सकते हो। इसकी इनर पैकेज काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, एक टब पैकेजिंग है, व्हाइट एंड रेड का कॉम्बिनेशन है गाइस। ये ट्रेवल फ्रेंडली, इजीली कहीं ले जा सकते हो, और इसमें भी सारी चीज़ें वही मेंशन होती है जो बॉक्स में होती हैं। शेल्फ लाइफ की बात करो तो आपको 2 साल यहाँ पे इस क्रीम में मिल जाती है। इस क्रीम की कलर की बात करें तो आप देख सकते हो एक बेबी पिंक कलर की है, और इस क्रीम में फाइन स्पार्कल का यूज़ किया गया है, जो आप जैसे अपने फेस पर अप्लाई करते हो शाइन करने लगते हैं। बहुत ज़्यादा चंकी नहीं है, बहुत ही फाइन है, जो बहुत अच्छे लगते हैं आपके फेस पे। और इस क्रीम के टेक्सचर को आप देख सकते हो। चलिए अब मैं इसे अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। इस वीडियो को शूट करने से पहले मैंने काजल, लाइनर वगैरह ये सारी चीज़ें कर लिया था, बट क्रीम अप्लाई नहीं किया था। अब मैं इस क्रीम को अप्लाई करके आपको दिखाऊँगी। जितनी क्रीम की मुझे ज़रूरत है मैं बैक ऑफ द हैंड में ले लूँगी, क्योंकि ये टॉप पैकेजिंग है, बार बार डिप करना अच्छा नहीं लगता है। और इसे फेस पे अप्लाई करने के बाद अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए क्रीम को अप्लाई कर लेना है। क्रीम की एप्लीकेशन के तुरंत बाद देखोगे आपका फेस बहुत ज़्यादा स्मूथ, फेयर और पिंकस्ट ग्लो ऐड करती है गाइस। एक पिंक कलर का शुर्ख पिंक आपकी स्किन को कर देता है, और ये जो आपकी स्किन में ग्लो देते हैं ना, ऐसा लगता है आपने कोई हाइलाइटर या ब्लशर अप्लाई कर रखा हो, ऐसा कुछ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स भी, और इसे कैसे यूज़ करना है सारी चीज़ें। अब मैं बताने वाली हूँ इसकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड, साथ ही कौन कौन से स्किन टाइप को सूट करेगी। तो सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स, ये ऑल स्किन टाइप को सूट करेगा, लेकिन ये थोड़ा सा ड्राई या नॉर्मल स्किन के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि लिटिल बिट थोड़ा मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ वाली क्रीम है इसकी वजह से। तो आप सारे स्किन टाइप वाले आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इस क्रीम की बेस्ट पार्ट की। तो इस क्रीम की सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको SPF 18 मिलता है, जो आपके फेस को थोड़ी बहुत धूप से प्रोटेक्ट करता है। एज अ डे क्रीम में सनस्क्रीन रहना बहुत ज़रूरी है। यह है कि जब भी आप इस क्रीम को अप्लाई करोगे, अगर आपका फेस बहुत ज़्यादा डल है और आपको बिल्कुल से एकदम जल्दी से आपके फेस में ग्लो चाहिए और कोई मेकअप आप नहीं चाहते हो, तो इस क्रीम को आप जैसे ही यूज़ करोगे आपके फेस के डलनेस को ये कम करता है, फेयर कर दिखाता है आपकी स्किन को, साथ ही आपकी स्किन में ग्लो ऐड करता है, जो कि लिटिल बिट बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके बाद आपको हाईलाइटर, ब्लशर ऐसा कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, इतना ज़्यादा आपका फेस ड्यूई लगता है, ग्लोई लगता है। तो ये मुझे इसकी बेस्ट पार्ट लगी इस क्रीम की, पॉइंट लगी है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करते हो तो इस क्रीम को यूज़ करो, बाकी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी इस क्रीम की। और अगर मैं बात करूँ इस क्रीम को कौन कौन स्किन टोन के लोगों पे ज़्यादा परफेक्ट रहेगा, तो फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन फेयर है, मीडियम है, या फिर बहुत ज़्यादा पिंकिश अंडरटोन में है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, इस क्रीम का जो टेक्सचर है, एक्चुअली आपके फेस में सुर्ख पिंक, पिंक पिंक ग्लो लेके आता है, तो जिसकी स्किन अंडरटोन जो पिंकिस्ट ग्लो वाली है, तो उसके लिए बेस्ट होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी जो क्लेम है कि ये आपके फेस के रिंकल्स को कम करता है, तो ये कितना परसेंट सच है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपके फेस के रिंकल्स को भी कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें रेटिनॉल का यूज़ किया गया है, जो विटामिन ए होता है, वो आपके फेस के रिंकल्स को स्लो डाउन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। बट मैजिक नहीं होगा कि तुरंत ठीक हो जाए, उसके लिए आपको इसे एक टब ज़रूर से एवरीडे यूज़ करना होगा, तब आपको कुछ हल्का फुल्का रिजल्ट दिखेगा। और अगर आपकी एज 24 हो चुकी है, तो आप अभी से इसका यूज़ करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि थोड़ा बहुत जो फाइन लाइन्स होता है वो हमें उसी टाइम से स्टार्ट हो जाती है, तो उस टाइम इसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और अगर बहुत ज़्यादा आपका फेस में बहुत ज़्यादा रिंकल्स हो चुका है, तो शायद ये उतना ज़्यादा वर्क ना कर पाए, वेरी ऑनेस्ट।
ये गाइज लाइक इस क्रीम की सबसे अच्छी बात तो आपको मैंने शेयर कर ही दी है, ये परफेक्ट है डे क्रीम के लिए। इसमें SPF है, बजट फ्रेंडली है, इजीली अवेलेबल है, साथ ही आपके फेस को नेचुरली ग्लो दिखाता है, फेयर करता, साथ ही पिंकिश ग्लो भी ऐड करती है। तो ये सारी बातें हो गई इसकी पॉजिटिव पॉइंट। अब हम पे बात करते हैं इसकी नेगेटिव साइड की। सबसे पहले बात, अगर आपकी फेस फेयर है, मीडियम है, पिंकिश अंडरटोन है, तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। लेकिन अगर आपकी स्किन टाइप लाइक डार्क साइड है ना गाइज, तो बेशक आप इसको ट्राई मत करना, क्योंकि जो पिंक कलर का क्रीम है ना, पिंक कलर का क्रीम जब आप अप्लाई करोगे डार्क स्किन में, तो वो एकदम से आपकी स्किन के टोन के साथ मैच नहीं करती, यानी ऑक्सीडाइज हो जाता, और आपके फेस में मैच नहीं करता, ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका फेस और ज़्यादा डार्क नज़र आता है। तो जो आपका नेचुरल फेस है उसको भी ये डल कर देती है। तो अगर आपकी स्किन टाइप लाइक डार्क साइड में है, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई ना करें, ये मेरा रिकमेंडेशन है। अगर फिर भी आप चाहते हो करना तो फिर कर सकते हो। पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारे हैं फ्रेंड्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। डेफिनेटली आप एक बार इस क्रीम को ज़रूर से परचेज़ कर सकते हो, और 24 के बाद 25 के बाद हमें एक ऐसा डे क्रीम ज़रूर रखना चाहिए जिसमें एज मिरेकल चीज़ें हो, रिंकल्स को कम करने वाले प्रॉपर्टीज़ हो, क्योंकि हमारे फेस में तभी से ही एजिंग के सिम्टम्स नज़र आ जाते हैं। तो इसलिए एक ऐसा तो आप डे क्रीम ज़रूर रखो जो रिंकल्स पे वर्क करता है, ठीक है। थोड़ा सा एक और बात बताना चाहेंगे, इसको आप बॉयज़ बिल्कुल भी यूज़ ना करें। जी हाँ, इस क्रीम को बॉयज़ बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि जो पिंकिश ग्लो और पार्टिकल जो शाइन करते हैं ना, पिंक, वो बॉयज़ के चिक्स पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो फिर बॉयज़ प्लीज़ आप इस क्रीम को यूज़ ना करें, आप इसके बदले कुछ और यूज़ कर सकते हैं। तो यही थे हमारे पॉन्स एज मिरेकल क्रीम के ऊपर छोटी सी रिव्यू। अगर ये आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, लाइक में कंजूसी ना करें। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होगी तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बाजू में बेल आइकन होती है उसे भी ज़रूर से हिट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ब्यूटी।